हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने जो संस्तुति की थी उस संस्तुति के अनुसार सरकार ने तय किया कि लॉकडाउन के कारण या कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है उन लोगों को सरकार के स्तर पर कुछ सहयोग किया जा सके और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले चरण में निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की और अब तक 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को एक एक हजार रुपये की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। इसमें हम लोग 20 लाख निर्माण श्रमिकों को ये राशि उपलब्ध करवा रहे हैं।